कल जो मैंने अनाउंस किया था आपसे, आपसे राय मांगी थी कि क्या आप ऐसा करना चाहेंगे कि जैसा नीट पेपर कराता है जिस तरीके से, जिस फील्ड से, और टेस्ट सीरीज कितना भी दे लो लेकिन नीट का जिस दिन फाइनल पेपर होता है उस दिन अलग ही धक धक करता है। तो मैंने जब ये सारी बातें आपसे करी थी तो आप समझ ही नहीं पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिटरली आप समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत लोग कमेंट में कह रहे थे, सर कम से कम 4 टेस्ट करा दो, 5 टेस्ट करा दो, कम से कम 3 तो करा दो सर। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम सही कह रहे हो अपने हिसाब से, तुम सही कह रहे हो। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा था। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इंडिया में हजारों लाखों जगह चलता है। तुम समझे नहीं कि मैं क्या कह रहा था। मैं टेस्ट सीरीज की बात ही नहीं कर रहा। टेस्ट सीरीज तो इंडिया में लाखों हजारों जगह चलता है। बच्चे ऑफलाइन जाके टेस्ट तो देते ही हैं, आप भी देते होंगे, आप नहीं समझे। मैं कहना चाह रहा था कि चाहे जितना भी ऑफलाइन टेस्ट आप दे लो लेकिन फिर भी नीट की बात ही अलग होती है। घर से दूर जाना, कहीं सेंटर पे जाना, वहां पे एकदम डर का माहौल, भीड़ भाड़, इन्विजिलेटर का आना, एकदम थंब प्रेस करना। क्या तुम ऑफलाइन में जब टेस्ट सीरीज देने जाते हो तो पूरा नीट जैसा पेपर होता है क्या? इन्विजिलेटर आके पेपर पे साइन करता है क्या? क्या थंब इंप्रेशन होता है क्या? वो सारा प्रोसेस। और अगर मैं वो ये बोलूं कि मैं ऐसा 3 टेस्ट कराऊंगा, अरे पागल है क्या? कुछ भी, मैं तुमको कल चीफ मिनिस्टर बना देता हूं, कुछ भी। 3 टेस्ट से ही खत्म हो जाएगा ना यार उसका। एनटीए नीट का एग्जाम 3 बार लेता है, नहीं ना, उसका फील खत्म हो जाएगा। और मैं अगर तुम्हें 3 ऑफलाइन टेस्ट में सारा प्रोसेस कराऊं, थंब इंप्रेशन और इनविजिलेटर का साइन, फिर एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड लेके जाता है क्या? मैं प्री नीट की बात कर रहा था। प्री नीट में एक ही पेपर हो सकता है, प्री नीट में एक ही पेपर हो सकता है। नीट में आपके 18-19 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसमें कम से कम 4-5 लाख बच्चों में एक साथ नीट की फीलिंग के साथ, मतलब ये चाहते हैं जैसे किसी चीज को हम पहली बार फेस करते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स बच्चे होते हैं 12th के, पहली बार सीधा नीट के एग्जाम में जाते हैं, अब वो घबरा जाते हैं। वो क्या होता है, घबरा जाता है, उसमें होम इंस्पेक्टर, भीड़ भाड़, सारी फॉर्मेलिटी के चक्कर में फंस के थोड़ा डर जाते हैं। तो हम उसको रिपीट करना चाह रहे हैं। इसके बारे में बात की थी यार।